देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, विशेष में आज हम बात करेंगे सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए में बनी बात, तो इंडिया गठबंधन में जारी है खटराग। दोस्तों, लगातार आप देख रहे हैं विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपने अपनी ओर से तैयारियां शुरू कर दी है। भाजपा ने जहां परिवर्तन यात्रा के माध्यम से पूरे प्रदेश में सैकड़ों सभाएं की हैं, सैकड़ों नेताएं उनके जुटे हैं और लगातार ये कार्यक्रम उनका चल रहा है। कई राज्यों के मुख्यमंत्री परिवर्तन यात्रा में शामिल हो चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने तो इस परिवर्तन यात्रा की आगाज ही की थी और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस परिवर्तन यात्रा की समाप्ति पर हजारीबाग आएंगे। ये सारा कुछ चल रहा है और इस बीच जो एक बड़ा मुद्दा था सीट शेयरिंग का लेकर, कि क्या भाजपा में या एनडीए में जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, उस पर भी लगभग सहमति बन गई है। और जैसा कि सह चुनाव प्रभारी विधानसभा के जो है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि पितृपक्ष के बाद सीट शेयरिंग का फॉर्मूला उजागर कर दिया जाएगा, किस कौन सा दल कितनी सीटों पर लड़ेगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि झारखंड में भाजपा के साथ आजसू और जदयू का गठबंधन रहेगा। जाहिर तौर पर अब सवाल ये भी उठ रहा है कि जब भाजपा के साथ आजसू और जदयू का ही गठबंधन रहेगा तो जो केंद्र सरकार की सत्ता में भाजपा के साथ गठबंधन में शामिल है हम पार्टी और लोजपा आर, उसको भाजपा सीट देगी या नहीं देगी, इस पर अभी सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन मूल रूप से जो देखा जा रहा था उसमें आजसू के साथ गठबंधन की बातें हो रही थी और जो लगातार बातें सामने आ रही थी कि आजसू जो है सो नाराज चल रहा है या आजसू जितनी सीटें चाह रहा है उतनी सीटें भाजपा उसे देने को तैयार नहीं है। इन सारे विषयों पर चार मर्तबा केंद्रीय गृह मंत्री के साथ सुदेश महतो की बातचीत हो चुकी है। शनिवार को भी सुदेश महतो गृह मंत्री से मिले थे, एक घंटे तक लगभग उनके साथ बैठक चली और उसके बाद जो बातें छनकर आ रही हैं कि 8 सीट देने पर भारतीय जनता पार्टी राजी हो गई है, यानी 8 सीट आजसू के खाते में जाएगी, ये तय हो चुका है और इस पर सहमति लगभग जो है सो सुदेश महतो की भी है। हालांकि वो 14 सीटों की मांग कर रहे थे लेकिन उन 14 सीटों में कई सीटें ऐसी हैं जिस पर भाजपा के अभी सीटिंग एमएलए हैं या भाजपा पिछले चुनाव में दूसरे नंबर पर थी। इन सारे चीजों की तहकीकात के बाद जो मेरे पास जानकारी आई है, जो पुख्ता जानकारी आ रही है, 8 सीट आजसू को देने पर सहमति बन गई है। 3 सीट जो है वो जदयू के खाते में जाएगी और इसके अलावा और भी एक दौर की बातचीत होगी और पितृपक्ष के बाद जो है सो इंडिया एनडीए गठबंधन के सीट शेयरिंग का ऐलान हो जाएगा। हम आपको सुनाते हैं कि इस विषय पर विधानसभा सह चुनाव प्रभारी हिमंता बिस्व शर्मा ने क्या कहा। हमारे ये चुनाव में जनता दल यू और आजसू पार्टी का साथ गठबंधन होगा। गठबंधन का जो सीट शेयरिंग है 99% फाइनल हो चुका है, 1-2 सीट का ही सरसा बाकी है। ये पितृपक्ष समाप्त हो हम तुरंत गठबंधन का बारे में ऐलान कर दूंगा। देखिए, हेमंत सोरेन जी मुझको पत्र लिखा है, मैं उसको पत्र का उत्तर भी दूंगा और हेमंत सोरेन जी इस उत्तर खुद ही जानते हैं। आज हेमंत सोरेन जी को आप पूछिए, कल्पना सोरेन जी झारखंड का कोई भी आदिवासी सीट में कॉन्टेस्ट क्यों नहीं कर सकता है, उत्तर तो उनका घर में ही है। तो वो उत्तर हमें देने का जरूरत नहीं है, उनका घर में ही प्रतिदिन उनको वो उत्तर मिल रहा है। तो फिर भी वो मुझसे लिखित मांगा है, मैं लिखित जवाब दे दूंगा थोड़ा समय मिलने से ही। मंत्री है इरफान अंसारी, उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग पूरा झारखंड को हाईजेक कर लिए हैं, एकदम कब्जे में ले लिए हैं, सब जगह होटल। झारखंड हाईकोर्ट बोल रहा है कि इरफान जी पूरा झारखंड को हाईजेक करके रखा है। ये इरफान का नाम नहीं बोल रहा हूँ, जो घुसपैठिया का नाम इरफान है उनका बोल रहा हूँ। झारखंड हाईकोर्ट बोल रहा है अभी झारखंड को पूरा घुसपैठियाओं ने
हाईजेक करके रखा है। तो इरफान जी को वो इरफान का बारे में सोचना है जो इरफान ने पूरा झारखंड को हाईजेक करके रखा हुआ है। सर, राज्य सरकार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है और उत्पात सिपाही में जो अभियुक्तों की मौत हुई है उसकी उच्च स्तरीय जांच के लिए। जांच तो झारखंड सरकार को करना है, हमें क्यों जांच करना है? जो झारखंड सरकार को ही झारखंड के जांच करना है, केंद्रीय सरकार का उसमें कहां से आते हैं? अगर झारखंड में किसी का निधन होता है दुर्भाग्यजनक परिवेश में, पहले दायित्व तो झारखंड सरकार का ही और जांच का दायित्व भी झारखंड सरकार का है। अगर उनको लगे बड़ा जांच होना चाहिए तो झारखंड हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस को लिख दे, एक न्यायिक जांच हो जाएगा, वो तो हम स्वागत करता हूँ। तो अभी आपने सुना कि हिमंता बिस्व शर्मा ने साफ तौर पर कहा कि 99% जो है जो सीट शेयरिंग पर फॉर्मूला तय हो चुका है, एक दो सीटों पर बातें बची हुई है उस पर भी कर लिया जाएगा और पितृपक्ष के बाद जो है सो हम लोग सीट शेयरिंग का ऐलान कर देंगे। यानी एक तरफ एनडीए में आप देख रहे हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर लगभग फॉर्मूला तय हो चुका है और इसके पीछे की वजह भी है। पिछले चुनाव में जब गठबंधन नहीं हुआ था तो दोनों ही राजनीतिक दल, जो एनडीए गठबंधन में जो घटक में दो प्रमुख राजनीतिक दल हैं भाजपा और आजसू, दोनों को इसका खमियाजा भुगतना पड़ा था। भाजपा की भी सीटें घसी घटी थी और आजसू की भी सीटें घटी थी और दर्जनों सीट ऐसे थे वहां पर, अगर आप देखेंगे तो लगभग 11 सीटें ऐसी थी जहां पर कि आजसू अगर गठबंधन में रहता तो वो सीटें भाजपा को मिल सकती थी और भाजपा अगर गठबंधन में रहता तो वो सीटें आजसू को मिलती। 11-12 सीटें इस तरह की थी जो आजसू और भाजपा के बीच गठबंधन नहीं होने के कारण से चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था आजसू को भी और भाजपा को भी। और इस बार जो है सो फूंक फूंक कर कदम उठाया जा रहा है, कोई भी इस तरह का स्टेप नहीं उठाने की हिमाकत दोनों ही राजनीतिक दल कर रही हैं ताकि विरोधी यानी इंडिया गठबंधन को उसका फायदा मिल सके। जाहिर है कि ऐसे में अगर एनडीए एकजुट होकर चुनाव लड़ता है तो वो एक हिसाब से अगर कह सकते हैं तो इंडिया गठबंधन के लिए चुनौती हो सकती है। पिछले चुनाव में इंडिया गठबंधन हाइक किया था, इसके पीछे का वजह प्रमुख कारण अगर देखा जा रहा था वो था एनडीए में एकजुटता का नहीं होना। लेकिन इस बार एक और तो जहां फ्रंट फुट पर भारतीय जनता पार्टी खेल रही है, परिवर्तन यात्रा की शुरुआत कर विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया है, विधानसभा चुनाव को लेकर के घोषणा से पहले ही पूरे प्रदेश को रौंद दिया है भारतीय जनता पार्टी ने और कई बड़े स्टार प्रचारकों को अभी से बुलाकर मैदान में लगा दिया है। 2 तारीख तक ये कार्यक्रम चलने हैं, यानी आज 29 हुए हैं तो 1, 30, 1, 2 यानी 3 दिन और ये कार्यक्रम होने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समापन करेंगे हजारीबाग से। लेकिन वहीं अगर आप इंडिया गठबंधन की बात करते हैं तो औपचारिक रूप से देखा जाए तो अब तक जो है सो एक भी बैठक सीट शेयरिंग को लेकर नहीं हुई है। जैसा कि जो प्रभारी हैं मीर साहब कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बात की है और उन्होंने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करने के लिए या तो रांची या तो दिल्ली में बैठक बुलाने की बात कही है और वो आ भी रहे हैं। संभवतः 30 तारीख को मीर साहब का झारखंड का दौरा है और इसके बाद वो मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे, सीट शेयरिंग पर बातें होंगी। लेकिन इस बीच जिस तरह से खींचतान चल रही है इंडिया गठबंधन में जो शामिल दल हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, आरजेडी हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो और अब तो वाम दल भी उसमें जुड़ गए हैं क्योंकि माले और मासस एक मंच पर आ गए हैं, तो उन लोगों का भी 10 सीटों पर डिमांड है। माले भी चाहता है, जो लेफ्ट की पार्टियां हैं वो चाहती है 10 सीटें और वैसी सीटों की बात माले कर रहा है या लेफ्ट पार्टियां कर रही है जहां पर कहीं भी भाजपा के अगेंस्ट में झामुमो या कांग्रेस नहीं रहा है, चाहे वो बगोदर की विधानसभा सीट हो, राजधनवार की विधानसभा सीट हो, जमुआ की सीट हो, निरसा की सीट हो, इस तरह से कई सिंदरी की सीट हो, कई सीटों के नाम जो हैं सो माले की ओर से या कहें लेफ्ट की ओर से गिनाए जा रहे हैं जहां पर कि सीधी टक्कर भाजपा के साथ अगर होती रही है तो वो होती रही है लेफ्ट पार्टियां की और उन्हीं सीटों पर डिमांड जो है सो लेफ्ट पार्टियां कर रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पिछले चुनाव में गठबंधन के बाद भी मात्र एक सीट से खाता खोलने वाला आरजेडी
वो 21 सीटों की मांग कर रहा है और वैसे जगहों की भी मांग कर रहा है जहां पर उसका कोई वजूद नहीं है, चाहे वो राजधानी रांची की सीट हो या फिर हटिया की सीट हो। और ये खटराग जो चल रहा है इंडिया गठबंधन के बीच में, ये खटराग कब समाप्त होता है ये देखना दिलचस्प होगा। साथ ही साथ जो स्थिति बन रही है इंडिया गठबंधन में कि अगर 33 सीटों की मांग कांग्रेस पार्टी कर रही है, हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये कहना, और जो सबसे बड़ी पार्टी है बड़े भाई की भूमिका में विधानसभा चुनाव में रहती है झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसका ये कहना है कि जो जहां पर मजबूत होगा वहां पर उसको सीट दिया जाएगा। जाहिर तौर पर एक अच्छी पहल है झारखंड मुक्ति मोर्चा की, लेकिन अब अगर आरजेडी एक सीट वाला आरजेडी 21 सीटों की मांग करेगा तो यहां पर तो जो फॉर्मूला झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा तैयार किया जा रहा है वो फॉर्मूला एक तरह से फिसल जाएगा, गिर जाएगा वो फॉर्मूला। कांग्रेस पार्टी 33 सीटों की मांग कर रही है, 31 सीटों पर पिछले मर्तबा चुनाव लड़ी थी, 16 सीटें जीत कर आई थी, बाद में झारखंड विकास मोर्चा से प्रदीप यादव और बंधु तिर्की चुनाव वापस आ गए थे, कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे। बंधु तिर्की की सदस्यता समाप्त होने के बाद उनकी पुत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने चुनाव उपचुनाव जीता और वो कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर ही जीता। और इस बीच लोकसभा चुनाव के समय जेपी भाई पटेल जो है वो भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए थे, मांडू से वो विधायक थे, हालांकि सदस्यता उनकी समाप्त हो गई है, स्पीकर के न्यायाधिकरण ने उनकी सदस्यता समाप्त कर दी है। अब कांग्रेस पार्टी प्रदीप यादव और मांडू यानी जेपी पटेल की सीट को जोड़ करके 33 सीटों की दावेदारी कर रहा है। सवाल यह उठ रहा है कि पिछले चुनाव में माले अकेले चुनाव लड़े थी, मासस अकेले चुनाव लड़ा था, माले को एक सीटें आई थी, विनोद सिंह जो बगोदर से चुनाव जीत कर आए हैं, अब माले भी गठबंधन में शामिल होना है, इंडिया गठबंधन का पार्ट बनेगा, तो ऐसे में अगर माले को 3-4 सीटें भी दी जाती है तो उन 3-4 सीटों का किस तरह से बंटवारा होगा, क्योंकि इसमें से ही जो 81 सीटें हैं और जो पिछले मर्तबा जो सीट शेयरिंग हुआ था उसी के हिसाब से इस बार जो है सो उसमें से ही सीट, एक दो सीट जो है सो झारखंड मुक्ति मोर्चा को सेक्रीफाइस करना होगा, एक दो सीट कांग्रेस पार्टी को सेक्रीफाइस करना होगा, और ऐसे में 7 सीटों पर चुनाव लड़ने वाला आरजेडी अगर 21 सीटों की डिमांड कर रहा है तो ये खटराग लगातार बढ़ते जा रहा है। और एक बार नहीं कई मर्तबा जो है सो आरजेडी के द्वारा इस तरह की मांग की गई है। चतरा में जो कार्यक्रम हुआ वहां पर जो है सत्यानंद भोक्ता जो मंत्री हैं, श्रम मंत्री हैं हेमंत सोरेन की सरकार में, वो अपनी बहू को प्रोजेक्ट कर दिए चतरा के लिए, क्योंकि चतरा जो सीट है वो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए और भोक्ता कास्ट जो है अब शेड्यूल कास्ट में आ गया है, शेड्यूल ट्राइब्स में आ गया है, चतरा सीट शेड्यूल कास्ट के लिए है, तो वहां पर वो अपनी बहू को प्रोजेक्ट कर रहे हैं और वहां से भी आरजेडी ने जो है बड़े डिमांड किए हुए थे। तो एक तरफ अगर आप देखें एनडीए जो है सो फ्रंट फुट पे आके खेल रहा है, चाहे वो परिवर्तन यात्रा की शुरुआत हो, भले ही बाद में मैया सम्मान योजना निकाली गई, हालांकि इस पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कल ही जो मीडिया प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी के सिपूजन पाठक, उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि मैया सम्मान योजना तो सरकारी कार्यक्रम है और बेबी देवी जो महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं उनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम होना है, लेकिन कहीं पर भी बेबी देवी की तस्वीर तक दिखाई नहीं देती है। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि ये जो कार्यक्रम हो रहे हैं सरकारी खर्चे पर चुनाव प्रचार किए जा रहे हैं, क्योंकि कल्पना सोरेन को जिस तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा और सत्ताधारी दल के ही विधायक मंत्रियों को उसमें बुलाया जा रहा है, जबकि जब कोई भी सरकारी कार्यक्रम होता है तो उस कार्यक्रम में जो है विपक्ष के भी विधायकों को बुलाया जाता है, विपक्ष के भी नेताओं को बुलाया जाता है, लेकिन कोई अब तक जो कार्यक्रम हुए पलामू प्रमंडल और कोल्हान प्रमंडल में कहीं पर भी विपक्ष के विधायकों को आमंत्रित नहीं किया गया मैया सम्मान योजना के कार्यक्रम में, और उस कार्यक्रम को सरकारी पैसे के कार्यक्रम को चुनावी कार्यक्रम बना करके प्रोजेक्ट किया जा रहा है। ये आरोप मीडिया प्रभारी जो है सिपूजन पाठक ने दूरभाष से मुझसे बात करके ये बातें कही थी। जाहिर है कि इनकी बात में भी सत्यता है, क्योंकि सरकारी कार्यक्रम है मैया सम्मान यात्रा और इसमें बेबी देवी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन सच्चाई है कि बेबी देवी की तस्वीर कहीं दिखाई नहीं देती, जहां पर भी दिख रहा है वहां पर कल्पना सोरेन ही दिख रही हैं, साथ में दीपिका पांडे भी चल रही हैं। तो ये सवाल उठते रहेंगे और इस सवाल पर राजनीति होती रहेगी, लेकिन सवाल जो सीट शेयरिंग का है तो सीट शेयरिंग के मामले में अब तक जो दृश्य दिख रहे हैं उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी
ऊपर नजर आ रही है, यानी एनडीए ऊपर नजर आ रहा है और आईएनडीआईए गठबंधन में जो खटराग चल रहे हैं वो अब तक उसको कैसे सुलझाया जाए इस पर सहमति नहीं बन पाई है। बहरहाल देखना दिलचस्प ये होगा कि पितृपक्ष के बाद जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भाजपा में आता है वो एकजुट कर होकर रहता है, क्या सुदेश महतो जो 8 सीटों की बातें कही जा रही है उस पर वो तैयार होते हैं, जदयू 3 सीटों पर तैयार होता है, ये सारी बातें हैं। इन सारे बातों पर जो है सो अगर पूर्ण विराम लग जाता है तो जाहिर है कि नवरात्रा में जो है सो नवरात्रा के पहले दिन या दूसरे दिन एनडीए का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला उजागर हो जाएगा, सामने आ जाएगा, सार्वजनिक हो जाएगा। लेकिन इस बीच इंडिया गठबंधन क्या करती है इस पर देखना दिलचस्प होगा, इस पर क्या रणनीति रांची में बन पाती है या फिर दिल्ली दरबार में इसको लेकर के बैठक होती है, ये सारे कुछ छिपे हुए हैं। लेकिन अभी तक जो एनडीए फ्रंट फुट पर लगातार खेल रहा है, अब इसका परिणाम चुनाव में क्या होता है ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही, आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।